आज का एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पटाखा हमारे कार की बैटरी के जरिए से हम फोड़ सकते हैं, वो भी दूर से। एक कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें पटाखा फोड़ना है, मतलब कि जानवरों को भगाना है, भड़काना है, और नजदीक से हम भड़का मतलब कि फोड़ नहीं सकते। यहाँ तो ऐसी बात है कि नजदीक जाते पास जाते तो वो जानवर भाग जाता है, तो दूर से हम उस पटाखे को फोड़ सकते हैं और जानवर को भगा सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करना है कि उस कार की बैटरी के जरिए से या बाइक की बैटरी के जरिए से कुछ इस तरीके से पटाखे को फोड़ सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सामने हमने सिस्टम में बना रखी है। पहले तो मैं अपने इसको खोल देता हूँ। ओह कैसे सिस्टम हो गई गाइस, है ना। अगर आपके कार में कुछ इस तरीके से होता है तो उसको सफाई करें, साफ करें, ताकि जो कार की बैटरी हो उसका चार्जिंग होता रहेगा। अगर कुछ इस तरीके से होगा तो बाद मतलब आपका सेल भी नहीं लगेगा, दूसरी बात के चार्ज भी नहीं होगी ये बैटरी। तो अगर इसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से फिट करना है मैं आपको बता देता हूँ, तब जाके ये पटाखा फूटता है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसको किस तरीके से फिट करेंगे तब जाके वो पटाखा फूटेगा। तो गाइस सबसे पहले तो इन दो वायर की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास दो वायर की जरूरत पड़ेगी। एक कुछ इस तरीके से सेलो टेप की जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से पटाखे की जरूरत पड़ेगी, और कुछ इस तरीके से माचिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता ही अब आपको क्या करना है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का वायर नहीं है, फैन बनने का वायर जो होता है आर्मीचर, कुछ इस तरीके का आपके पास वायर नहीं है, तो उसके अंदर से कुछ इस तरीके का वायर निकाल सकते हैं। एक ज्यादा न ले बल्कि एक ही ले, ताकि जल्दी हीट हो जाए। अब उसको आपको क्या करना है कि इन सेलोटेप की मदद से उसको अच्छी तरीके से चिपकाना है। देख सकते हैं इस तरीके से सेलोटेप निकाल करके कुछ इस तरीके से अब उसको चिपका सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने चिपका दिया। उसके बाद उसके अंदर से माचिस की एक तिल्ली लेनी है। एक तिल्ली लेकर के इसके ऊपर कुछ इस तरीके से वायर लेना होगा। अगर ये नहीं है तो उसके अंदर से एक निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके से लेते हो तो उसके ऊपर से जो कार्बन लगाया हुआ है उसको निकालना होगा, जला करके या कुछ इस तरीके से कटर की मदद से, तब जाके अच्छी तरीके से काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से काट करके उन तिल्लियों के बीच में लपेटना होगा। कुछ इस तरीके से लपेट करके उसके ऊपर सेलो टेप लगा देते हैं। हमें सेलो टेप लगानी पड़ेगी ताकि जो हमारा वायर है ये आगे पीछे न हो जाए। तो क्या देख सकते अच्छी तरीके से हो गए। थोड़ी सेलो टेप लगानी है, ज्यादा नहीं। ज्यादा वायर इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद आपको कटना क्या होगा, कुछ इस तरीके से लपेटा होगा जो है ना, पटाखा उसके बाजू में। यहाँ सेलो टेप यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी सेलो टेप लगा देते हैं। तो देख सकते हैं अब ये दो वायर है ना, यहाँ लपेटना होगा आपको। एक वायर यहाँ लपेटना होगा, लपेटते अच्छी तरीके से
दूसरा वायर यहाँ लपेटना होगा दूसरी वायर के ऊपर, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस देख सकते हैं अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब डायरेक्टली हमारे जो बैटरी करके उसके अंदर लगा देंगे तो पटाखा फूटेगा, हम आपको बता देते हैं टेस्टिंग करके जो फूटता है काम करेगा अच्छी तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से पटाखा लगा दिया है, हमारे जो बैटरी का जो झटका है करंट है यहाँ से निकलेगा और जहाँ जो माचिस की तिल्ली है वो जलेगी तब जाके वो पटाखा फूटेगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाए। अब देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम काम करता है या फिर नहीं। हम जाते हैं हमारी कार के पास। हम यहाँ लगा दे फिर देखते हैं कि जो हमारा जो बनाई हुई सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है या फिर नहीं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कुछ इस तरीके से दूर से पटाखा फोड़ने की ज़रूरत पड़े तो कुछ इस तरीके से आप फोड़ भी सकते हैं, या किसी चीज़ को भी जलाना हो दूर से जो कि हमारे जान का ख़तरा है, अगर पास में जाकर कोई भी चीज़ जलाएंगे तो नुकसान हो सकता है, तो कुछ इस तरीके से दूर से भी हम जला सकते हैं। तो देख सकते अच्छी तरीके से काम करता है, आप सामने देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते सामने यहाँ लगाया हुआ है हमारा पटाखा। अब हम यहाँ से फोड़ने की कोशिश करते हैं फिर देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो सामने देख सकते आप, आपने देखा कि कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब कि यहाँ से हम पटाखा को फोड़ सकते हैं, आपने देख लिया होगा क्या शायद। अब जाते हैं वहां पे कि जो हमारा पटाखा फूटा हुआ है या नहीं। तो भाई देख सकते हैं ना, तो है ना कमाल की चीज है। तो उस चीज के लिए एक लाइव तो गाइस बनता ही है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।